दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट नेक डिजाइन बता रही हूँ और अगले वीडियो में आपको बैक नेक डिजाइन के बारे में बताऊंगी। आप दोनों वीडियो देखना ना भूलें जिससे कि आपका ब्लाउज डिजाइनर बन सके। तो अभी करते हैं शुरुआत। तो देखिए मैं लंबाई ले रही हूँ 15 इंच, लेकिन मेरे ब्लाउज की 14 इंच लंबाई, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं और इसका शोल्डर हम 7 इंच लेंगे। मुड्डे 7 इंच, ये आगे का है इसलिए इसमें 1 इंच की गोलाई देंगे। इसके बाद अभी नेक कट करेंगे। नेक शोल्डर से 4 इंच, 4 इंच लेके 3.5 इंच, और इसमें 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं। अभी सेम ड्रॉ पे कट कर देते हैं। तो देखिए ये मैंने नेक भी कट कर दिया, मुड्डी भी कट कर दिया, और जो ये ब्लाउज है ये हमारा 34 साइज का है। तो देखिए 10.5 इंच लिया हमने, तैयार में 8.5 इंच आएगा। तो देखिए ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसका लाइनिंग कट करेंगे, और लाइनिंग मैंने सिल्क लिया है क्योंकि नेट क्लॉथ है तो इसमें सिल्क बेहतर रहता। तो अभी कैसे कट करना है बताते हैं। लाइनिंग भी मैंने सेम कट कर लिया है, लेकिन अभी नेक कट नहीं किया है उसका। तो पहले हम मुड्डे का ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये मुड्डे की तरफ शोल्डर से आप यहाँ पर 4.5 इंच ले लें। उसके बाद आप देखिए नेक कितना डीप पहनते हैं आप, जैसे कि 6.5 या 7, तो मैं इसको 6.5 इंच में ले रही हूँ। तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये 6.5 इंच से लेके इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अगर थोड़ा आप डीप पहनते हैं तो और भी डीप इसको रख सकते हैं। तो देखिए ड्रॉ कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, नेट क्लॉथ को हटा देंगे। तो हमको जो कट करना है इस शेप से लेके यहाँ से कट करना है, फिर इधर से, फिर यहाँ से, ये पार्ट हमको नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने ये कट कर लिया है, और मैं इसमें कप्स डाल रही हूँ, इसीलिए मैंने जो नीचे का जो सिल्क हमारा कपड़ा था उसी साइज का मैंने एक और पीस कट कर लिया लाइनिंग का, क्योंकि मैं इसमें कप डाल रही। अगर आप कप नहीं डाल रहे हैं तो आप सेम दो पीस में इसको स्टिच कर सकते हैं। तो अभी आपको बताते हैं इसको कैसे सेट करें। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं, और इन पीसों को आपको क्या करना है, इन दोनों पीसों को पहले सिल लेना है। देखिए यहाँ से लेके पूरा इस नेक को हम पहले तैयार कर लेंगे। जब हमारा ये नेक तैयार हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम जो ये कपड़ा है हमारा लाइनिंग में अलग से प्लेट डालेंगे, और जो नीचे का कपड़ा है और नेट का, वो दोनों हम एक साथ प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टिचिंग करना है, उसके बाद बताते हैं कैसे सेट करना है। तो देखिए जब हम कप लगाएंगे तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो कप हमको सिर्फ सिल्क और नेट, ये दोनों के बीच में हमको कप्स लगाने, जो लाइनिंग है उसमें। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। मुड्डे से हमको स्टार्ट करना है सिलाई। तो देखिए ये मैंने नेक की फिनिशिंग दे दी है। अभी हमारा देखिए जो नेट है जो कि हमारा इसके ऊपर आएगा, तो अभी जो हमारा ये बोट नेक है इसको भी हम तैयार कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने नेट की क्रॉस कटिंग पट्टी कट कर ली है, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बोट नेक पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए नेक हमने तैयार कर दिया है। अभी हम क्या करते हैं, जो लाइनिंग है पहले इसको इसके साथ में सेट कर देते हैं। लाइनिंग को आप इस तरह से नीचे रख लें, और जो हमारा ये कपड़ा है ब्लाउज, तो देखिए जो ये डिजाइन हमारी आ रही है और ये वी शेप है, इसको इस तरह से सेट कर लें कि जो वी शेप है वो एकदम सेंटर में आनी चाहिए।
मुड्डे से मुड्डे देख लें, दोनों साइडों में मुड्डे हमारे बराबर आने चाहिए और नीचे भी हमने लेंथ इक्वल ली थी तो एकदम बराबर से आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसे पेन से सेट कर लेते हैं या फिर आप कच्चा टांका करके भी इसको सेट कर सकते हैं। क्या है, सिलते समय इधर उधर पीस ही लेंगे नहीं। तो देखिए मैंने पिन से सेट कर लिया है, अभी हम सेम मुड्डे से लेके पूरे नेक तक स्टिच कर देते हैं। ये पूरा स्टिच कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों पीस हमारे सेट हो चुके हैं। अभी हम डालते हैं नीचे प्लेट, उसके लिए हमको करना है इसको उल्टा। उल्टा करने के बाद देखिए जो भी शेप आ रहा है यहाँ पे आप इसको लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये सेंटर पार्ट है हमारा, तो यहाँ से हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से प्लेट जो लेनी है आपको 3.5 इंच लेना है सेंटर पार्ट से, और सेम 3.5 इंच आपको दूसरी साइड में लेनी है। और जो ये प्लेट डालनी है ये 5 इंच लंबी प्लेट डालनी है। तो देखिए सेंटर से 3.5 इंच लिया है इस साइड में, सेम इस साइड में, और इसी तरह से लंबाई जो ली है हमने नीचे से लेके ऊपर तक 5 इंच लिया है। जैसे हमने ये लाइनिंग में ड्रॉ किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके ये नीचे का जो सिल्क क्लॉथ है उसमें भी इसी तरह से पॉइंट लगा ले, क्योंकि इसमें अलग से प्लेट पड़ेंगी और लाइनिंग और नेट में अलग से प्लेट पड़ेंगी, क्योंकि इसमें हम कप लगा रहे हैं, तो इसकी लंबाई भी 5 इंच ले लेंगे। तो देखिए जो हमने प्लेट का मार्किंग किया है, जो नेट के साथ हमारा सिल्क क्लॉथ है उसमें हमने लाइन ड्रॉ किया है और हमारा जो लाइनिंग है उसमें ड्रॉ किया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइनिंग के साथ और नेट के दोनों के साथ एक साथ प्लेट डालनी है। तो आप इस तरह से पकड़ लें नेट और सिल्क क्लॉथ, तो यहाँ से हम 1.25 इंच की प्लेट लेंगे। तो देखिए हमने नेट और सिल्क क्लॉथ में दो डॉट डाल दिए इधर और इधर, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब सेम हम लाइनिंग में भी डाल देते हैं। दोनों में प्लेट डाल चुके हैं हमने, अभी हम कप लगाएंगे। तो कप हमको ये लाइनिंग में सेट करना है। पहले आप यहाँ पे सेंटर से एक लाइन खींच लें जिससे कि आपके कप जो है बराबर से लग सके। लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ से ये 2 इंच छोड़ देना है, 1 इंच इस साइड में और 1 इंच साइड में। तो जो कप आएंगे हमारे इस लाइन से इस तरह से सेट होंगे, तो जो गैप रहेगा यहाँ पे ये 2 इंच का रहेगा। इस तरह से कप को रख लें और यहाँ पे ऐसे नीचे से हाथ डाल के इसको यहाँ पे पिन से सेट कर दें। अगर पिन नहीं है तो आप कच्चा टांका लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए ये सेट हो चुका है, इसी तरह दूसरी साइड भी सेट कर लेते हैं। देखिए पिन से मैंने इस तरह सेट कर दी है। अभी आपको करना क्या है, इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पे आप पूरा राउंड में इसके स्टिच डाल देंगे जिससे कि आपका कप जो है पूरा तरह से सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये कप जो है इस तरह से स्टिच कर दिए हैं, पूरे सेंटर में भी स्टिच डाल दिए, चारों तरफ से स्टिच। उल्टी तरफ देखेंगे तो आप इस तरह से देखें तो ये आपको कोई भी हिलने उलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कप की। और इसको हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। अभी अब तीनों पीसों को एक साथ स्टिच कर देते हैं जिससे कि ये तीनों पीस हमारे सेट हो सकें। देखिए सिलाई करने से पहले यहाँ पर हम एक पिन लगा देते हैं, तो जो सेंटर पार्ट है वो सेट रहेगा। और अभी इस तरह से ही स्टिच डाल देते हैं। कि मैंने चारों तरफ से इसको स्टिच कर दिया। ये मैंने 3 इंच लंबी प्लेट चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस कमर की हम फिनिशिंग दे देते हैं। यहाँ पे तुरपाई कर दें। देखिए फिटिंग आप दे देंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये सुंदर सा नेट ब्लाउज बना सकते हैं। ब्लाउज को मैं बैक नेक डिजाइन बनाऊंगी, आप वो देखना न भूलें, जिससे कि आपको पूरा डिजाइन ब्लाउज बन के तैयार हो जाए। अभी अगले वीडियो में तो देखिए मैंने कपड़ा कट ले लिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी लंबाई। तो लंबाई जैसे मुझे 13.5 इंच चाहिए तो 14.5 इंच ले लें, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। शोल्डर लेंगे 14 इंच, मुड्डे
7 इंच। अब ये ब्लाउज हमारा 34 साइज का है, तो तैयार रखेंगे तो हमारा 8.5 आएगा। इसमें से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 10.5 इंच लेना है। इसमें 1.5 इंच की उगलाई देंगे। इसके बाद हम नेक लेते हैं। इसमें क्या है कि नेक हमारा बोट नेक रहेगा और बाकी का नीचे कुछ भी नेक नहीं रहेगा, खाली सेंटर में हमारे हुक्स आएंगे। तो ये ले रही हूँ मैं 3.5 इंच। शोल्डर से ले लें 4 इंच और इसमें 1.5 इंच की गुलाई दे देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ नेक से लेके ये पूरा आर्म होल तक यहाँ तक कट कर देते हैं। सभी कट कर दिया है, अभी इसको सेंटर से कट कर देते हैं क्योंकि हमारी ओपनिंग इसकी बैक साइड में रहेगी। तो देखिए मैंने लाइनिंग भी इसी तरह से फोल्ड कर लिया है, लेकिन लाइनिंग हमारा पूरे में नहीं रहेगा, खाली हमारा नीचे की साइड में आएगा। तो अभी आपको बताती हूँ लाइनिंग को आप किस तरह से कट करें। तो ये देखिए यहाँ से आप ये 6 इंच ले लें मुड्ढे से। उसके बाद आप देखिए कि आपको ये विदाउट लाइनिंग कितना चाहिए। जैसे कि मैं इसको बहुत कम ही रख रही हूँ, ओनली 3 इंच के आसपास, 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा, तो ये 3.25 इंच के आसपास रहेगा। तो ये मैंने लाइनिंग रखूंगी, लेकिन हम अभी यहाँ से ड्रॉ करते हैं इसको। जैसे इस तरह की डिजाइन आ रही है, तो वो मोती को निकाल दें। तो देखिए ये जो हमारा लाइनिंग रहेगा उतने पार्ट में लाइनिंग रहेगा, ये ऊपर विदाउट लाइनिंग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको हटा देते हैं ब्लाउज को, और यहाँ से हम इस तरह का इसका करके और कट कर लेते हैं। गया तो देखिए ये जो आएगा हमारा ब्लाउज, तो वो इस तरह से आएगा। इतने पार्ट में हमारा आर्म होल में नीचे कमर में लाइनिंग रहेगा, ये विदाउट लाइनिंग रहेगा। तो अभी आपको बताती हूँ इसका सिलने का तरीका। तो जो ये बोट नेक है, इसके लिए तो हम क्रॉस में पट्टी कट कर लेंगे, और जो नीचे का पार्ट है इसके लिए भी आप क्रॉस में पट्टी कट कर लें, जिससे उसकी फिनिशिंग दे सकें। तो देखिए अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं। तो जो हमारा ये लाइनिंग है, इसके लिए भी मैंने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है, और जो बोट नेक है इसके लिए भी मैंने क्रॉस में पट्टी कट कर ली है। तो ये तो मैंने नीचे के लिए किया है, और नेट के लिए ये नेट क्लॉथ की पट्टी कट कर ली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भी तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद ये नेक तैयार करेंगे, फिर इसमें कैसे स्टिच करना वो बताते हैं। तो एक एक पीस हम ले लेते हैं इस तरह से, देख लें। और जो पट्टी मैंने कट की है ये क्रॉस में है, तो इस तरह से डबल फोल्ड कर लें, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये पीस तैयार हो गया, इसी तरह दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों पीस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको साइड में रख देते हैं, और अभी नेट का जो नेक है उसको तैयार करते हैं। तो सेम मेथड एक ही है। तो देखिए मैंने ये दोनों नेक तैयार कर लिए हैं, लेफ्ट राइट साइड का। अभी आपको बताते हैं हमने जो लाइनिंग तैयार किया है उसको कैसे सेट करना है। तो देखिए ये नीचे का लाइनिंग है हमारा, और इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। तो पहले या तो आप कच्चा टांका कर लें, और या फिर पिन से सेट कर लें, जिससे कि ये बराबर से सेट हो सके। तो देखिए ऐसे रखें, नीचे से इक्वल ले लें, और इसको इस तरह से सेट कर देंगे। इसी तरह दूसरा पीस भी सेट कर दूंगी। अभी हम क्या करते हैं, आर्म होल से लेके यहाँ तक पूरा स्टिच डाल देते हैं। देखिए सेंटर से 3.5 इंच ले लें, और इस तरह से फोल्ड करके, क्योंकि इसमें हमारा जितना लाइनिंग है हम उतनी लंबी प्लेट लेंगे। नॉर्मल हम 5 इंच लेते हैं, लेकिन इसमें हमारी 4 इंच के आसपास प्लेट आएगी। देखिए ये प्लेट भी हमारी दे चुकी है। अभी हम नीचे की फिनिशिंग दे देते हैं कमर में।
और उससे पहले हमारे यहाँ पे हुक पट्टी काज पट्टी आएंगी लेफ्ट साइड से आएंगी। तो लेफ्ट साइड जो है इधर हमारे काज पट्टी आती है, तो काज पट्टी के लिए मैंने ये सिल्क क्लॉथ ले लिया जो हम इसका लाइनिंग यूज कर रहे हैं। और यहाँ से हम ऊपर से ऐसे हाफ इंच फोल्ड करते हुए नीचे तक इसको स्टिच कर देते हैं। मैंने ये लेफ्ट साइड पीस तैयार किया था उसी तरह मैंने राइट साइड भी पीस तैयार कर लिया। तो देखिए हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है, नीचे फिनिशिंग भी दे दी है, हुक पट्टी काज पट्टी हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब फिटिंग दे देंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पर हमारे ऊपर से पूरा नीचे तक हुक्स आएंगे और इस आसान तरीके से आप ये सुंदर सा ब्लाउज डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।